हजरत की बारगाह में सवाल है, मर्दों का हाथों में मुख्तलिफ किस्म की धात का ब्रेसलेट पहनना, गले में चैन लटकाना, कानों में बालियां डालना कैसा है? मर्दों के लिए जेवर हराम है, सिर्फ एक जेवर की इजाजत है, वो है चांदी की अंगूठी जो एक नग की हो और चांदी भी 4.5 ग्राम की हो। 4.5 ग्राम की चांदी की एक नग वाली अंगूठी, यही मर्द के लिए हलाल है, यही एक जेवर है जो दुनिया में मर्दों के लिए हलाल है। बाकी जेवरात मिलेंगे, महरूम भी होना चाहिए। जिन चीजों को अल्लाह ने यहाँ रोक दिया है वो चीजें आखिरत में जन्नत में मिलेगी। तो जन्नत में आपको हर जेवर मिल जाएगा, जो पहनना चाहिए पहनिए, शौक से रहिए, शाद रहिए, सब मिलेगा। यहाँ इसीलिए रोका गया है ताकि वहां पर दिया जाए। एक साहब कहने लगे कि शुगर है आपको, शुगर ज्यादा खा लिया आपने तो रोक दिया गया, तब शुगर नहीं खा सकते। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का की सुन्नत करीमा है कि जिस चीज से हम रोका जाता है उसका बदल जन्नत में दिया जाता है। तो रोका गया इसलिए यहाँ थोड़ा ही चलना चाहिए, सब कुछ तो वहां खाना ही है। तो शुगर वालों के लिए भी ये एक तरह का मुजदा है माशाल्लाह, यहाँ नहीं तो जन्नत में मिलेगा। तो ब्रेसलेट पहनना मर्दों के लिए जायज है, कान की में बाली पहनना ये जायज नहीं। और चैन, हाँ चैन पहनना ये भी जायज है, जंजीर जो पहनते हैं। और ना कभी ना कभी अच्छा, खैर ठीक है, जवाब तो आम है। जेवर एक पहने मर्द या कई एक पहने, जो जेवर हलाल हो मैंने बता दिया, उसके अलावा सारे जेवर मर्दों के लिए हराम। इसलिए मुसलमान जवान हरगिज हरगिज अपने समाज में ऐसी कोई बुरी लत न आने दें और इससे महफूज रहें। अगर किसी सोहबत से मुतासिर होकर ऐसा कर चुके हैं तो उसको उतार दें, तौबा कर लें और अहद कर दें, करें कि रहा आलमी हम ऐसा अब कभी नहीं करेंगे।